हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज की इस वीडियो के दौरान हम फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस यानी ऐसे प्रोसेस जिनकी वजह से सॉइल में कोई खास कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। खास कैरेक्टर यानी जैसे कि सॉइल सैलाइन हो जाती है या एल्केलाइन हो जाती है या एसिडिक हो जाती है, तो अलग अलग तरह के जो उसके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं तो वो इन प्रोसेस की वजह से होते हैं। अब ये जो स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं पोडजोलाइजेशन, लेटराइजेशन, जिलेशन, पेडोटर्बेशन और साथ में सैलाइनेशन, डीसैलाइनेशन, कैल्सीफिकेशन, जिप्सिफिकेशन, एल्केलाइनेशन और साथ में सोलोडाइजेशन। तो कह रहे हैं मतलब ये जो प्रोसेस है वो कई तरह के होते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो के दौरान हम फोकस करने वाले हैं पोडजोलाइजेशन और साथ में लेटराइजेशन के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये, इनके ऊपर एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियो में हम बेसिक या फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में भी बात कर चुके हैं। अगर इस वीडियो से पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये पोडजोलाइजेशन होता क्या है। पोडजोलाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ पोडजोल, सिंपल। तो अभी आपके दिमाग में आया कि भाई पोडजोल क्या होता है ना, ये फॉर्मेशन ऑफ पोडजोल तो समझ आता है कि पोडजोल का बनना पोडजोलाइजेशन है, लेकिन पोडजोल क्या होता है ना। तो हम देखें, पोडजोल जो है वो एक रशियन टर्म से रिलेटेड है, रशियन टर्म जिसके अंदर पोड प्लस जोला, रशियन टर्म के अंदर पोड प्लस जोला से मिलकर बना है, इससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है ये पोडजोल। तो इसमें पॉड का मतलब होता है अंडर और जोला का मतलब होता है एश लाइक, अंडर एश लाइक, मतलब कुछ है सॉइल के अंदर, सॉइल में कुछ है जो कि अगर अंडर यानी नीचे चला जाएगा, सॉइल के होरिजन्स में नीचे चला जाएगा तो उससे सॉइल जो है वो कैसी हो जाएगी, एश लाइक हो जाएगी। एश लाइक यानी राख जैसी हो जाएगी, बेरंग सी हो जाएगी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पोडजोलाइजेशन क्या है, पोडजोल का बनना, और पोडजोल क्या है कि हम देख रहे हैं एश लाइक सॉइल का बनना यानी राख जैसी मिट्टी बन जाएगी, तो उसे हम कह रहे हैं पोडजोलाइजेशन। क्या जैसे मैंने कहा कुछ जो है वो अपर होरिजन से लोअर होरिजन में जा रहा है, तो कौन जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो द पोडजोलाइजेशन, इन पोडजोलाइजेशन डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, डिजॉल्व हुआ हुआ ऑर्गेनिक मैटर, डिजॉल्व हुआ हुआ किस में डिजॉल्व हुआ हुआ, तो पानी के अंदर डिजॉल्व हुआ हुआ ऑर्गेनिक मैटर एंड फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सॉइल में फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, आप जानते हैं सेसिक्यू ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ये जो सेसिक्यू ऑक्साइड्स और साथ में ऑर्गेनिक मैटर है वो पानी में घुलकर फॉर्म ऑर्गेनो मिनरल कॉम्प्लेक्सेस, वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनो मिनरल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर मिनरल, मिनरल कौन, फेरस और एल्यूमिनियम, वो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसको हम देख सकते हैं किलेट भी कह सकते हैं। किलेट फॉर्मेशन आप जानते होंगे, ऑर्गेनिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम किलेट बना, मतलब वो बनाते हैं किलेट्स एंड मूव फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल एंड डिपॉजिट इन द लोअर पार्ट ऑफ सॉइल। मूव कर जाते हैं अपर पार्ट से कहाँ, नीचे की तरफ। ऊपर से नीचे जाना आपने पिछले वीडियो में जाना था, इसे हम क्या कहते हैं, एलुविएशन कहते हैं। तो यहाँ एलुविएशन हो जाता है उनका, किन का, मेन आपको ध्यान रखना है सेसिक्यू ऑक्साइड्स का यानी फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का। तो फेरस और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भाई समझ आ गया आपको, नीचे वाले ओरिजिन में चले गए तो उसकी वजह से सॉइल जो है वो बेरंग सी हो गई। तो समझ आया आपको कि आपको पता होगा सॉइल के अंदर फेरस और एल्यूमिनियम की वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कलर होता है, रेडिश कलर जो है कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही होता है। अब वो लोग ही नीचे चले गए तो फिर ऊपर सॉइल में क्या बचा, रंग रंग दिखाने वैसा कुछ नहीं बचा। तो कहने का मतलब वो जो है एश लाइक हो जाती है, ठीक है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेसिक्यू ऑक्साइड नीचे चले जाते हैं तो पीछे बचता क्या है, तो पीछे बचता है सिलिकन। सिलिकन यानी आप जानते हैं जो आप सिलिका के रूप में आप देख रहे हैं, सिलिकन कंटेंट ऊपर बच गया और नीचे क्या चला गया, अल्टीमेटली सेसिक्यू ऑक्साइड नीचे चले गए। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इतनी सी ही मतलब बात पे फोकस होता है मेनली कि पोडजोलाइजेशन क्या है। तो हम देखते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका, एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हुआ हुआ सिलिका, एंड लीचिंग तो नहीं बोलना चाहिए, एंड एलुविएशन ऑफ व्हाट, सेसिक्यू ऑक्साइड, सेसिक्यू ऑक्साइड नीचे चले गए। तो समझ आ गई आपको बात। तो ये हम देख रहे हैं क्या होता है, पोडजोलाइजेशन होता है, ठीक है। और हम देख रहे हैं थ्रू दिस प्रोसेस द एलुवियल होरिजन बिकम्स ब्लीच्ड,
ब्लीच्ड मतलब बेरंग से हो जाते हैं, एंड और हम देख सकते हैं एश लाइक एश ग्रे कलर के हो जाते हैं, यानी राख जैसे कलर के हो जाते हैं। एलुवियल ओरिजिन का मतलब आपको पहले भी वीडियो में बताया था मैंने, अपर ओरिजिन से कुछ नीचे चला जाता है तो उस ओरिजिन को हम एलुवियल ओरिजिन कह देते हैं। और लिखा है द कॉम्प्लेक्स मूव विद द परकोलेटिंग वाटर, पानी जो नीचे बह के जा रहा है उसके साथ ही माल मटेरियल नीचे चला गया। परकोलेटिंग वाटर डाउन टू द एलुविएटेड ओरिजन। एलुविएटेड ओरिजन कौन सा था याद है आपको, कि ऊपर से जो नीचे आने के बाद जहाँ इकट्ठा होता है मामला, मतलब क्या आपने समझा था कि एलुविएटेड ओरिजन से जो भी मटेरियल निकल के नीचे वाले ओरिजन में जाता है तो जो नया ओरिजन नीचे बनता है उसे हम कहते हैं एलुविएटेड, आई से स्टार्ट होता है जो एलुविएटेड ओरिजन, विच इज़ कॉमनली ब्राउन कलर, जो कि कैसा होगा, ब्राउन कलर का होगा। क्यों? क्योंकि Fe और हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स थे वो नीचे वाले होरिजन में आ गए और नीचे वाले होरिजन को रंग दे रहे हैं, यानी वो क्या हो रहे हैं अल्टीमेटली उसको डार्क ब्राउन या ब्राउन कलर सा कलर दे रहे हैं, जिससे हम देख रहे हैं या जिसका कारण क्या है, सेसिक्यू ऑक्साइड्स और ऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑर्गेनिक मिनरल्स और हम देख रहे हैं सेसिक्यू ऑक्साइड की वजह से उसका नीचे का होरिजन एल्यूवेटेड होरिजन ब्राउन कलर सा हो गया, लेकिन ऊपर जो हमें सॉइल दिख रही है वहाँ सिलिका है और फेरस और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड नहीं है, इसलिए वो क्या है, एश लाइक दिखाई दे रही है। तो इसे हम कहते हैं पॉडजुलाइजेशन। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बात करेंगे कि पॉडजुलाइजेशन जो है कहाँ कहाँ देखा जाता है, मतलब कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से इस तरह का प्रोसेस देखा जाता है। ओके तो चलिए अब हम बात करते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं पॉडजुलाइजेशन के लिए, कब पॉडजुलाइजेशन अच्छे से हो सकता है सॉइल का, है ना। तो हम देखते हैं कि कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठंडा और ह्यूमिड एनवायरमेंट। ह्यूमिड और कोल्ड आपको याद रखना है, ह्यूमिड का अंदर आप समझ सकते हैं कि भाई बारिशें ज़्यादा होंगी तभी तो परकोलेटिंग वाटर जो है उन आयंस को नीचे लेके जा पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब एक तो याद रखना है कूल और साथ में ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। और हम देखते हैं सिलिशियस और एसिडिक पेरेंट मटेरियल। सिलिशियस मतलब सिलिका होना चाहिए उसके अंदर। अभी मैंने आपको पहले बताया कि पोर्टोलाइजेशन का एक लाइन में अगर आंसर बताना हो तो आप बताते हैं कि भाई एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका एंड एल्यूवेशन ऑफ फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हम ये कह रहे हैं कि ऊपर क्या बच गया, सिलिका बच गया, तो वो सिलिका मतलब उस सॉइल में ज़्यादा था तभी तो वो ऊपर बचा रह गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एसिडिक पेरेंट मटेरियल होता है, आपको याद होगा जो हमने रॉक्स का क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था तो उसके दौरान हमने बात करी थी कि एसिडिक सॉइल्स उन्हें कह देते हैं जब हम सिलिका का कंटेंट 65% से ज़्यादा देखते हैं रॉक्स के अंदर, तो ऐसी रॉक्स जो है वो एसिडिक रॉक्स कही जाती है ना, आपको शायद याद होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 65% से ज़्यादा होने पर उसे एसिडिक सॉइल कहा था। वैसे आप जानते होंगे कि भाई सिलिका की प्रेजेंस क्यों एसिडिक बनाती है रॉक्स को, क्योंकि सिलिका जो होता है पानी के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो क्या बना सकता है, सिलिसिलिक एसिड बना सकता है ना, और तो सिलिसिलिक एसिड इस तरह से एसिड क्रिएट कर सकता है और उस एसिड की वजह से सॉइल एसिडिक हो सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पता है कि पेरेंट मटेरियल एसिडिक है, मतलब एसिडिक है, तो उसमें सिलिका ज़्यादा होगा और सिलिका ज़्यादा होगा तो उससे बनने वाली जो सॉइल है वो पॉडजोल हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें से अगर फेरस और एल्यूमिनियम नीचे चले गए तो उसका क्या हो जाएगा, सॉइल बेरंग यानी पॉडजोल बन जाएगी। और हम देख रहे हैं एसिड लविंग वेजिटेशन। एसिड लविंग वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब ऐसी हम देख रहे हैं पेड़ पौधे जो जिनके हम देखते हैं सॉइल एसिडिक होती है, सच एज कॉनिफेरस पाइन्स। कॉनिफेरस आपको पता होगा ना कि वो ऐसे कोन जैसे शेप में होते हैं जो, और इनकी लीफ जो है निडल लाइक होती हैं, आपको ऐसी चीज़ें पता होंगी। तो ये कॉनिफेरस पाइन्स जो होते हैं उनके अंदर उनके जो पत्तियां वगैरह डिकम्पोज होती हैं तो वो एसिडिक सॉइल बनाती हैं, तो वहाँ पे भी एसिडिक अगर सॉइल है तो उससे क्या हो सकता है, पॉडजोल बन सकती है। तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए कि कॉनिफेरस पाइन होना, सिलिकेशियस या एसिडिक पेरेंट मटेरियल होना, कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना, ये पॉडजोलाइजेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। और हम देखते हैं इससे क्या कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होते हैं। तो हम देख रहे हैं सॉइल जो बन रही है वो हाईली एसिडिक होगी और साथ में यहाँ माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा एसिडिक सॉइल है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी कम होती है, तो ये फर्टाइल नहीं होती सॉइल ज़्यादा। और साथ में इसे यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो पास्चर और फॉरेस्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह से हमने जाना पॉडजोलाइजेशन के बारे में। ओके अब हम बात करेंगे लेटराइजेशन क्या होता है। ओके तो चलिए अब सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो कि है लेटराइजेशन। लेटराइजेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट सॉइल। लेकिन लेटराइट सॉइल क्या है,
तो हम देख रहे हैं ये एक लैटिन वर्ड से रिलेटेड है जिसका मतलब होता है, अच्छा लैटिन वर्ड कौन सा, तो लेटर, इस लेटर वर्ड का मतलब होता है ब्रिक या टाइल। ब्रिक मतलब ईंट है ना, और टाइल तो मतलब आपको पता ही है टाइल। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ब्रिक या टाइल से रिलेट किया गया है इसे। क्यों? तो हम देखते हैं इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स आप जानते हैं ट्रॉपिकल रीजन जो है अर्थ पे वो वार्म रहता है जनरली, हम देखते हैं गर्म है ना। तो हम देखते हैं किससे कंपेयर कर रहे हैं, तो टेम्परेट रीजन से, तो गर्म है तो वार्म रीजन के अंदर। सर्टेन सॉइल्स आर मैसिवली इंटीग्रेटेड विद सेसिक ऑक्साइड्स, हम देखते हैं कि जो वहाँ पे सॉइल हैं वो क्या होती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है सेसिक ऑक्साइड्स। कितना ज़्यादा, तो हम देख सकते हैं टू एक्सटेंड ऑफ 70 to 80% ऑफ टोटल मास, टोटल मास के 70 से 80% तक उसमें हम देख सकते हैं सेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो अब सेसिक ऑक्साइड इतने सारे होते हैं तो फिर अब बारिश में बह के कौन निकलना पड़ेगा, किसको निकलना पड़ेगा, तो सिलिका को निकलना पड़ेगा है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया एंड फॉर्म अ सीमेंटेड होरिजन है ना। तो हम देख रहे हैं इस हम बात कर रहे हैं इस सॉइल की जहाँ 70 to 80% सेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो एक सीमेंटेड सा ओरिजिन होता है विच वैन ड्राइड अप, जो कि सूखता है तो बिकम अ वेरी हार्ड ब्रिक, तो सूख कर एक मतलब हार्ड ब्रिक जैसा हो जाता है, ब्रिक यानी ईंट जैसा हो जाता है। तो हम देखते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेटराइजेशन, और इसे ही हम लेटराइजेशन या लोटोजेशन भी कहते हैं। तो लेटराइजेशन क्या है, ब्रिक लाइक सॉइल का बनना है ना। क्यों बनती है, क्योंकि उनमें एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होते हैं। और हम देखते हैं ऐसी सॉइल देखी कहाँ जाती है, तो सॉइल्स ऑफ मलाबार हिल्स ऑफ केरला, केरला के मलाबार हिल्स में ऐसी सॉइल्स देखी जाती हैं। तो अब एक लाइन के अंदर अगर हम समअप करें इसे, तो ये होगा कि रिमूवल ऑफ सिलिका, सिलिका का निकल जाना एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फेरस एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या हम कह सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ सेसिक ऑक्साइड्स इज कॉल्ड लेटराइजेशन है ना। जबकि पिछला क्या था, जिसका आपने जाना पोर्टुलाइजेशन, जिसमें हम कहेंगे रिमूवल ऑफ सेसिक ऑक्साइड्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका कैन बी नोन एज पोर्टुलाइजेशन है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस तरह से आपको समझ आया लेटराइजेशन और पोर्टुलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि ये कौन सी कंडीशन इसको इसके लिए फेवरेबल होती है लेटराइजेशन के लिए। ओके तो आप थोड़ी सी और बात कर लें अगर हम फेवरेबल कंडीशंस ऑफ लेटराइजेशन की, तो हम देखते हैं कि वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वार्म मतलब गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट बारिश वाला मौसम लेकिन गर्म। तो हमने जैसे बात करी केरला वगैरह के साइड, जो हम साउथ इंडिया का जो एरिया देख रहे हैं, इंटेंस लीचिंग मतलब वहाँ पे लीचिंग इंटेंस होनी चाहिए। लीचिंग किसकी मतलब, जैसे कि आपने देखा कि सिलिका को ही नीचे ले जाना है, सिलिका को नीचे ले जाना मतलब क्या कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, एक बात तो आपको समझ में आई। और तो ये जो हमने कहा सिलिका को रिमूवल होना यानी डीसिलिकेशन, तो डीसिलिकेशन भी कहाँ देखा जाता है, लेटराइजेशन में देखा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये इंटेंस लीचिंग भी मतलब होती है यहाँ पे। एंड बेसिक टाइप ऑफ पेरेंट मटेरियल, एसिडिक टाइप का पेरेंट मटेरियल से तो क्या बन रही थी, पॉडजोल, बेसिक होना चाहिए अब पेरेंट मटेरियल, तब उससे क्या बनेगा, हम देख रहे हैं ये लेटराइट सॉइल फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइट। ओके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख सकते हैं कि नॉन प्लास्टिक होती हैं, जल्दी से इनकी कोई अलग से हम क्या नहीं बना सकते, कोई अलग शेप में नहीं हम डाल सकते इसे, नॉन कोरोसिव यानी चिपकती नहीं है, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होता है इसका, गोल गोल ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्ड होते हैं ये है ना। ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल नाम का जो टॉपिक आएगा उसमें हम अच्छे से बात करेंगे। लॉग कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और फर्टिलिटी, फर्टिलिटी और सीईसी जो होती है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी वो कम होती है, साथ में फास्फोरस फिक्सेशन इसके अंदर हाई होता है। फास्फोरस फिक्सेशन का मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एल्यूमिनियम और फेरस जहाँ ज़्यादा होते हैं तो वही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फास्फोरस फिक्सेशन में, तो वो यहाँ ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ फास्फोरस फिक्सेशन भी हाई देखा जाता है। तो आएगा आपको समझ में। तो इस तरह से हमने बात करी पोर्टलाइजेशन और लेटराइजेशन के बारे में। ओके तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ एक्सप्लेन किया उसकी एक पीडीएफ फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो से पहले हम बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं, और आने वाले वीडियोस के अंदर हम बचे हुए स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ ही इस चैनल के और भी जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। और साथ ही इसी तरह के वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।